हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबरपंत पर। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें कि पंजाब के खिलाफ अहम मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से जीत हासिल की, जिससे चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी काफी खुश दिखे। खास तौर पर उन्होंने पिच की खूब तारीफ की। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कहा, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, यह एक लंबी यात्रा है। तो आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर पंजाब की टीम की शुरुआत काफी खराब रही। टीम के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने पंजाब के टॉप ऑर्डर को एक के बाद एक लगातार झटके दिए। इस दौरान चांद को, जो पहले से 3 विकेट ले चुके थे, और महेंद्र सिंह धोनी के बीच एक मजेदार वाक्य भी हुआ। अपने तीसरे ओवर में चाहर ने LBW की अपील की, जिस पर धोनी का रिएक्शन देखने वाला था। तो पंजाब का स्कोर 4 विकेट पर 19 रन था। चाहर की गेंद थप्पा लगकर अंदर आई और शाहरुख खान की पैट से टकराई। चाहर ने LBW की जोरदार अपील की, जिसके बाद धोनी ने सिरे से खारिज कर दिया। तो मैच खत्म होने के बाद शाहरुख खान के खिलाफ हुई जोरदार अपील पर भी धोनी ने बात की। उन्होंने कहा, हमने काफी ऊंची आवाज में अपील की थी, फिर मैं उसके पास गया और कान के पास जाकर कहा, हम DRS नहीं ले रहे। दोस्तों, ये कहने के बाद शाहरुख खान हंसने लगे। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन शाहरुख खान ने बनाए। उन्होंने 36 गेंद पर 47 रन बनाए। इस दौरान 4 चौके और 2 छक्के लगाए। चेन्नई के लिए दीपक चाहर ने कातिलना गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 4 विकेट लिए।